नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 16 मई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए आपके सामने है, डीएलएड प्रशिक्षितों ने मांगी शिक्षक भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई कैंडिडेट ने 4 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती न आने से बेरोजगार हैं। भर्तियों के प्रति गंभीर मुख्यमंत्री की तेजी को देखते हुए शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े प्रशिक्षितों ने रविवार को नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आवाज़ बुलंद की। इसके लिए ट्विटर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती 297,000 अभियान चलाया। 2 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित बेरोजगार ने ट्वीट किए। आप लोग जानते ही होंगे कि डीएलएड अभ्यर्थियों ने कल कैंपेन चला था जिसकी हमने आपको पूरी अपडेट दिया था, ठीक है। और जो शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी, इन्होंने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग को टैग करते हुए मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि बेसिक में करीब 4 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, इस बीच हर साल करीब 2 लाख प्रशिक्षित तैयार हो रहे हैं। रिक्त पदों के मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और ये स्वीकार किया है कि 51,112 पद खाली हैं, इसमें हम भर्तियां करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले 16,000 यानी 200 लिखा यहाँ पर, लेकिन 17,000 रियल में है। 17,000 की बात सरकार ने एक्सेप्ट की और उस पर भर्तियाँ निकालने की नोटिस भी जारी की, लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं हो पाई। तो अब शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि 51,000 प्लस 17,000 पदों को जोड़ करके नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द जारी की जाए, ठीक है। तो ये इनकी मांग है, कल इन्होंने बड़ा एक कैंपेन चलाया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही सारी अपडेट दिया गया कि 4 साल से भर्ती का इंतजार, ट्विटर पर अभ्यर्थियों ने छोड़ा अभियान। तो एक तरफ डीएलएड अभ्यर्थी नए शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, वहीं पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं प्राइमरी में अपना अस्तित्व बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कल बीएड छात्रों ने एनसीटी जून 2018 के गेजेट को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से एनसीटी से एक गुहार लगाई कि उत्तर प्रदेश हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह मामला चल रहा है, दोनों जगह सरकार मजबूत पैरवी करके उस गजट को बचाए जिससे प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी मामले को लेकर के यूपीटीटी पास जो बीएड धारक हैं उनकी पात्रता परीक्षा हुई थी यूपीटीटी 2021, उसके प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है और इस मामले की आज पुनः 16 मई को सुनवाई होनी है, ठीक। तो आज जो सुनवाई होती है, जो कुछ भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट किया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी अपडेट हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यहीं पर आपको दी जाएगी। यूपीएसआई दरोगा भर्ती में डेली नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए आज फिर खुलासा किया गया है कि सिपाही समेत 4 दबोचे। दरोगा भर्ती के लिखित परीक्षा में धांधली को लेकर के मुजफ्फरनगर के गांव खटौला निवासी फुरकान अली, सहारनपुर के गांव तिलहर निवासी सिपाही चंद्र किरण और जो कई लोग हैं इनको गिरफ्तार किया गया। कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में इन अभ्यर्थियों के साथ दोनों परीक्षा केंद्रों के संचालक, व्यवस्थापक और प्रबंधक को भी आरोपी बनाया गया है। फुरकान अली ने 21 नवंबर 2021 को आगरा में RV ऑनलाइन सेंटर पर परीक्षा दी थी। उसने नंबरों की समीक्षा के दौरान धांधली की पुष्टि होने पर परीक्षा कराने वाली एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर चंद्र बदन मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, ठीक है। तो अब तक यहाँ पर करीब 65 से ज़्यादा अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ में यहाँ पर देखिए कि ये महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर दिया गया है, लिखा है कि 20 मिनट में हल किए 140 सवाल। दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थियों को कोतवाली पुलिस कानपुर ने जेल भेजा है। केस में केंद्र संचालक समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अभ्यर्थी सुरजीत सिंह ने परीक्षा के दौरान अंतिम 20 मिनट में 144 सवाल हल किए थे जिसका ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम ने पकड़ लिया। उसी से मामले का राज फांस हुआ, जेल भेजा गया आरोपी ललितपुर का रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं। अब यहाँ पर छात्र जो है सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पर धांधली हुई है कि इस भर्ती में अब SIT जाँच बैठा करके, ठीक है, इसकी अच्छे से जांच करवाई जाए। अगर अच्छे से जांच हो जाती है तो मामले का पूरा पर्दाफाश हो जाए कि यहाँ पर वाकई में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है। अगली अपडेट है EWS मामले को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि EWS को 10% रिजर्वेशन तो दे दिया गया है, लेकिन छात्र अब मांग कर रहे हैं कि इनको
आयु सीमा में भी छूट दी जाए, कम से कम 5 साल ऊपर ही आयु सीमा में छूट दी जाए। इसी वजह से देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि EWS कल्याण बोर्ड के गठन पर अड़े विश्वविद्यालय के छात्र, उत्तर प्रदेश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को अन्य राज्यों की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की रियायत मिलनी चाहिए। प्रतियोगी छात्रों ने इस मसले पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के उन्हें चुनाव से पहले जारी भाजपा का वो संकल्प पत्र भी याद दिलाया जिसमें EWS कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही गई थी। ठीक है, तो भाजपा ने संकल्प पत्र में EWS कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का दावा है। तो छात्र अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द EWS कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया जाए और EWS छात्रों को 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाए। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की कल हुई परीक्षा के बारे में। लोक सेवा आयोग द्वारा कल पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती परीक्षा करवाई गई, इसमें 75% अभ्यर्थी शामिल हुए। 215 पदों पर यह भर्ती परीक्षा हुई है। ठीक है, तो प्रयागराज और लखनऊ में ये परीक्षा हुई। 2201 अभ्यर्थी पंजीकृत थे जिसमें 1651 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तो ये आपके सामने अपडेट हो गई कि इसमें 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। अगली अपडेट है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफर के बारे में, यानी TGT PGT ट्रांसफर के बारे में। देखिए लिखा है कि शिक्षक ऑनलाइन स्थानांतरण में अटके, चहेतों के तबादले। सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन तबादले के नाम पर शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऑनलाइन स्थानांतरण में कमियों के खिलाफ मामला कोर्ट में विचाराधीन होने पर अधिकारी साल भर से हाईकोर्ट में काउंटर नहीं लगा पा रहे हैं, इससे स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित है। इसके विपरीत अफसरों के बेटे बेटियों, चहेतों के मनचाहे तबादले होने पर शिक्षकों ने प्रश्न उठाए हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार कुशवाहा ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण और ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करी गई थी, लेकिन तबादले नहीं हुए। प्रश्न उठाया कि मामला कोर्ट में है तो अफसरों के चहेते कैसे लाभ पा रही हैं, अपनों को स्थानांतरण देने की दोहरी व्यवस्था शिक्षक आक्रोशित है। ऐसे में 1 जून को निदेशालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो जो भी TGT PGT की अभ्यर्थी हैं वो इस बात को जरूर समझ लें कि अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT में, तो आपको हर हाल में 1 जून को निदेशालय जाना होगा, क्योंकि जब तक विरोध नहीं होगा, जब तक आंदोलन नहीं होगा, तब तक बातें सुनी नहीं जाएंगी। ठीक, तो 1 जून को निदेशालय में धरना प्रदर्शन रखा गया है। जो भी साथी इलाहाबाद या उसके आसपास के हैं जरूर जाएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं। इसके लिए कल ही हमने अपने YouTube चैनल पर एक पोस्ट डाली थी, उसमें भी हमने जिक्र किया था कि 1 जून को यहाँ पर निदेशालय में धरना आए। ठीक है, तो ज़रूर जाएं और यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को शुरू कराएँ। यहाँ पर अपडेट है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 के बारे में कि एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी मैदान में हैं। आप लोग जानते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकेंड ग्रेड टीचर की भर्तियाँ आई थी, जिसमें से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपडेट आई है कि 9760 पदों पर भर्ती जो आई थी, इसमें करीब 12,23,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस तरीके से यहाँ पर लिखा है एक पद के लिए 125 अभ्यर्थी दौड़ में हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए अपनी तैयारी करते रहें, जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर दी जाएगी। अंत में बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PG प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म के बारे में। लिखा है कि मई के अंत में शुरू होंगे PG के लिए आने वाले आवेदन, टेंडर की समय अवधि पूरी हो गई है, 1 सप्ताह में हो जाएगा एजेंसी का चयन। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए PG में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मई के अंत में शुरू हो जाएगी। एजेंसी चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और इसकी समयावधि पूरी हो गई है, 1 सप्ताह के भीतर एजेंसी चयन पर अंतिम मुहर लग जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।